क्रीड़ा भारती का राष्ट्रीय खेल संगम 25 से 27 दिसंबर 2015 तक केशव फिट जामडोली जयपुर में आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक गजराज सिंह राठौड़ ने बताया कि क्रीड़ा भारती राष्ट्रीय खेल संगम 2015 में राष्ट्रोत्थान 385 किलोमीटर अल्ट्रा रिले मैराथन दौड़ जोधपुर से जयपुर तक आयोजित की जा रही है। 19 दिसंबर को जोधपुर से शुरू हुई दौड़ 21 दिसंबर को ब्यावर पहुंची, जहां रात्रि विश्राम करने के बाद दौड़ अजमेर के लिए शुरू हुई। मंगलवार को दौड़ ने दोपहर में अजमेर जिले की सीमा में प्रवेश किया तो क्रीड़ा महानगर द्वारा सुभाष नगर चौराहे पर दौड़ में शामिल धावकों का जोरदार स्वागत किया गया। यहां से डिप्टी मेयर संपत सांखला और स्थानीय पार्षद दुर्गा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को अजमेर शहर के लिए रवाना किया। इस दौरान जगह जगह विभिन्न खेल संघों, सिविल डिफेंस, स्कूली छात्रों और व्यापार मंडलों द्वारा दौड़ का भव्य स्वागत किया गया। स्वामी कॉम्प्लेक्स पर संस्कृति दर स्कूल के बैंड की ध्वनि के बीच भाजपा युवा मोर्चा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। दौड़ के राजहंस वाटिका पहुंचने पर मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री वासुदेव देवनानी, एनएस राणा, प्रांत महामंत्री अनिरुद्ध भाटी, विशिष्ट अतिथि पूर्व ओलंपियन जोरावर सिंह, सह संयोजक ओम पुरोहित ने धावकों का स्वागत करते हुए उनके इस प्रयास की सराहना की। गौरतलब है कि दौड़ बुधवार को संस्कृति दर स्कूल से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगी। क्रीड़ा भारती खेलों के क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन है। इसका त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन क्रीड़ा खेल संगम ये 25 से 27 दिसंबर जयपुर में होने वाला है। उसी संबंध में एक कार्यक्रम है 19 से 25 दिसंबर तक ये अल्ट्रा रिले मैराथन दौड़। 19 तारीख को प्रातः 11:30 बजे जोधपुर के उमेद स्टेडियम से रवाना होकर आज यहाँ अजमेर में ये दौड़ पहुंची है। 25 तारीख को प्रातः 10 बजे राष्ट्रीय खेल संगम के स्थान पर केशव विद्यापीठ जामडोली में प्रातः 10 बजे ये दौड़ समाप्त होगी। इसमें 62 धावक लगातार दौड़ रहे हैं। लगातार दौड़ने का अर्थ है ये रिले दौड़ है, इसमें एक के बाद एक बदल करके जोड़ियां दौड़ती है, दो दो की जोड़ी में दौड़ते हैं और कहीं कहीं पर पूरा का पूरा दल एक साथ 10-15 किलोमीटर ऐसा दौड़ा करता है।